Hello everyone, welcome to your super sport. So guys, आज हम बात करेंगे इस बैट के बारे में। ये है अंगलार का बैट, ये मंगवाया है मेरे एक फ्रेंड ने फ्रॉम जलंधर। इसकी फैक्ट्री जलंधर में है, आप देख सकते हैं स्ट्रेट 6 ग्रेन्स, बहुत ही ब्यूटीफुल बैट है ये। मिड टू लो प्रोफाइल है इसका, 41 mm का एज है और 61 mm की स्पाइन, मोर देन 61 है, आई गेस 62 mm ही स्पाइन है इसकी। आप देखिए फुल मीट है इसका मिड टू लो में, बहुत प्यारा स्ट्रोक है ये। हम रेडी कर चुके हैं, इसकी नॉकिंग कर चुके हैं, इसकी ऑयलिंग कर चुके हैं, तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो वेट है अभी 1265 ग्राम्स का है, जो कि मेरे फ्रेंड को काफ़ी हैवी लग रहा था। तो उसको अराउंड 1150 ग्राम्स में ये बैट चाहिए, तो हम बैट फैक्ट्री आ गए हैं जहाँ पर कि हम इसका वेट कम करेंगे। ये फुल प्रोफाइल बैट है, तो मुझे लगता है कि इसकी अगर कॉनकेविंग की जाएगी तो इसकी शेप में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए शॉर्ट हैंडल बैट है, 41 mm एज और 61 प्लस स्पाइन है इसका, 6 ग्रेन्स है। हम इस पे करेंगे कॉनकेविंग, शेप चेंज नहीं होगी, मिड टू लो प्रोफाइल रहेगा। और ये देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं। इसके हमने स्टिकर्स जितने भी थे ऊपर की साइड से वो निकाल दिए हैं, और स्टिकर्स निकाल के इसका वेट हो गया है 1256 ग्राम्स। अब इस पे ये ऑपरेशन शुरू करेंगे। इस पे हम मिनिमम कॉनकेविंग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज़ बैट बहुत अच्छा है, इसका स्ट्रोक बहुत अच्छा है, नॉकिंग हो चुकी है, सब हो चुका है, सिर्फ इसका वेट कम करना है थोड़ा। नॉट ऑल बैट्स आर फिट फॉर योर हैंड, तो वो आपको अपना आइडियल वेट बनाना ही पड़ता है, तो अब हम उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और बस अब ये फाइनल टच हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ टो से वेट कम कर दिया और वेट कम हो जाएगा, ये ओवरऑल प्रोफाइल से वेट कम होता है। इसमें हमने कॉनकेविंग करी है और देखिए अब इसका वेट दिखा रहा है 1188 ग्राम्स। तो अब ये बैट हमारा स्मूदिंग के लिए तैयार है। ये आप कोई भी राउंड रॉड लेकर, या फिर ये इस टाइम यहाँ पाना यूज़ हो रहा है, स्पैनर, स्पैनर से इसकी स्मूदिंग कर रहे हैं, और जो इसका वेट है वो आपको मिलेगा 1190 ग्राम्स। देखिए आप प्रोफाइल देखिए, बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, मिड टू लो प्रोफाइल ही है। स्पाइन जो है अब वो 41 से 40 mm हो गई है, और इसमें थोड़ी कॉनकेविंग हुई है, जो पहले बिल्कुल फुल प्रोफाइल बैट था मिड टू लो, इसमें देखिए थोड़ी सी कॉनकेविंग हुई है, ज़्यादा नहीं। इसी कॉनकेविंग में अराउंड 100+ ग्राम हमने कम कर दिया है। देखिए वही सेम प्रोफाइल है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। अब ये इसकी थोड़ी सी ग्राइंडिंग होगी, फिनिशिंग, इससे बैट में स्मूथनेस आ जाती है, जो थोड़ा सा रफ हुआ होता है वो स्मूथ कर देगा इसको ही। अब ये रेग मार्ग होता है, सैंड पेपर, एमरी पेपर भी बोलते हैं, उससे इसका फाइनल टच दिया जाता है, अगर जिससे कि ये बिल्कुल ही स्मूथ फिनिशिंग लगे। मतलब अब ये ऐसा लगेगा
लाइक अभी फैक्ट्री मेड बैट अभी आया ही है। अब देखिए इसका फाइनल वेट 1147, जब स्टिकर्स लगेंगे तो ये 1160 तक पहुंच जाएगा। तो ये 1147 का हमने वेट अचीव कर लिया है, जो कि हमारा टारगेट था। देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग, स्मूथ बैट की शेप वही है मिड टू लो। और ये देखिए ये कंपैरिजन है 1265 से 1147। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कॉमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैट का वेट रिड्यूस करने में मैं आपकी हेल्प करूं, तो आप नीचे गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट मी टू बाय अ बैट फॉर यू, यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट ऑन द सेम नंबर।